ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रूफ खोल दिया, पूरा नीचे आ गया। और ये देखिए यहाँ से ये एयर बैग है लाइनिंग वाला, यहाँ से वहाँ तक ये पूरा, क्योंकि छोटा नहीं आता, बड़ा आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये देखिए कौन सी गाड़ी है, ये है टाटा का नेक्सन गाड़ी हमारे पास। मैं आपको दिखा दूँ, ये नया मॉडल है, ज़्यादा किलोमीटर नहीं हो गया है, ये देखिए 11,000 किलोमीटर हो गया है। और ये गाड़ी का फ्रेंड्स ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका साइड का एयर बैग है, ये देखिए यहाँ से फूट गया। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से पूरा बाहर आ गया, वन साइड आ गया, ये दूसरे साइड में नहीं आया कुछ, ना लेफ्ट में आया ना आगे आया। देखिए कोई भी एयर बैग नहीं फूटा, सिर्फ एक ही एयर बैग फूटा यहाँ पे साइड का। और मैं बता दूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। क्यों, कैसा फूट गया ये देखिए, मैं आपको देखा साइड एयर बैग साइड इम्पैक्ट, यहाँ पे एक सेंसर होता है इम्पैक्ट सेंसर अंदर, ये देखिए इसके अंदर ये पीला वायर दिख रहा है आपको, ये पीला वायर उसका छः, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इसका सेंसर है इम्पैक्ट सेंसर। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ साइड से। तो फ्रेंड्स कैसा पूरा मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये कुछ मॉडल्स है, तो कुछ मॉडल्स में फ्रेंड्स अपडेट आया है, वो ये कि उसका इम्पैक्ट सेंसर जो होता है वो रिप्लेस करना, अपडेट चेंज करना है, मतलब उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। ये देखिए यहाँ का भी हमने खोला है, ये देखिए यहाँ पर ये है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसका अपडेशन आया है और इसको चेंज करना पड़ता है। ये देखिए ये जो बोल्ट है आपको दिख रहा है, ये जो सेंसर है, ये देखिए ये जो सेंसर लगा है इम्पैक्ट सेंसर, इसका जो बोल्ट है ये बॉडी में टच हो रहा है, आपको दिक्कत हो मैं, ये देखिए पूरा बॉडी में टच हो गया, तो थोड़ा भी वाइब्रेशन होने से वो बोल्ट क्या कर रहा है, सेंसर को इम्पैक्ट दे रहा है और डायरेक्ट सेंसर क्या खोल रहा है, एयर बैग फ्लैश करके फूट के जा रहा है। ये देखिए एयर बैग बाहर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नई मॉडल है या आप लोग को अगर अपडेशन आया है कि चेक करना, आपका गाड़ी नंबर डाल के पता चलता है कि अपडेशन आया है, तो ये फ्री में हो जाएगा अपडेशन। इसके बोल्ट रिप्लेस करते, इसके बोल्ट छोटे डालते हैं, एमएम में छोटा आ जाता। तो फ्रेंड्स आपका भी अगर अपडेशन है, तो आपका नेक्सन गाड़ी है तो अपडेशन चेक करके लेना, क्योंकि सिर्फ नेक्सन में हो रहा है, बाकी कोई गाड़ी में नहीं हो रहा है। तो ये बोल्ट रिप्लेसमेंट आता है, आप गाड़ी का नंबर डालेंगे, गाड़ी का नंबर डालने के बाद तो आपको जब कोड में डायरेक्ट बता देंगे कि आपका अपडेशन है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा दोनों साइड के। इनफैक्ट सेंसर चेंज नहीं करना पड़ता, उसका सिर्फ 10 के 2 बोल्ट आते, छोटे आते हैं क्योंकि बड़े पहले बड़े दे रहे हैं, तो अभी अपडेशन के बाद थोड़ा सा 1-2-3 mm में छोटा आ जाता है, तो वो आपको करना है, नहीं तो ऐसा फ्लैश हो जाएगा। हम मैं इसको बता दूँ आपको कि चालू गाड़ी में हो गया, क्योंकि सब लोग कुछ एक्सीडेंट नहीं हो, कुछ नहीं, गाड़ी नॉर्मल जा रही थी और साइड से ठप करके फूट गया, तो इसका देखिए ये पूरा बेल्ट भी जाम हो गया, क्योंकि आपको पता है बेल्ट बाद में से टाइट हो जाता है। इसका बेल्ट यहाँ पे इतना टाइट हुआ है कि हिल रहा भी नहीं है, ये सेकंड चीज़ है। तो फ्रेंड्स आप लोग को अपडेशन है कि चेक करना, आप कस्टमर है तो चालू में फूट गया फ्रेंड्स, तो रनिंग में बाकी उन्होंने देखा क्या क्या हो गया बोल के, तो पता चला कि गाड़ी का कितना कुछ ठोका ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं, साइड से डायरेक्ट एयर बैग फूट गया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान रखना, आपके पास भी BS6 Phase 2 वाला मॉडल है तो आप नंबर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रिसेंटली जो गाड़ी आ रही है उसका अपडेशन के साथ आ रही है, लेकिन जो कुछ गाड़ी पहला डिलीवरी हो गई वो गाड़ी का अपडेशन आ रहा है सर्विसिंग में, आप चेक करना अपडेशन है क्या, गाड़ी नंबर डाल के भी आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप टेक्नीशियन है, कस्टमर है, या फिर आप सर्विस सेंटर का सुपरवाइज़र है, तो आप जॉब कार्ड भी बनाते रहेंगे, तो फ्रेंड्स वो ध्यान रखना कि इतना चीज़ अपडेशन आया है तो ये करना पड़ता है कंपलसरी, ध्यान रखो, क्योंकि क्या हो जाता कभी भी फ्लैश हो सकता है, ये हो सकता है। और ये वारंटी में हो रहा है, क्योंकि अभी इनकी की गलती नहीं है, तो वारंटी में एयरबैग ये सब रिप्लेस हो रहा है। तो और क्या क्या रिप्लेस हो रहा है वो भी मैं बता दूँ, आप अगर टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, तो आपको बता दूँ कि इसका एयरबैग इश्यू चेंज करना पड़ेगा, इनफैक्ट सेंसर चेंज करना पड़ेगा जिस साइड का हुआ है, और सीट बेल्ट चेंज करना पड़ेगा, और एयरबैग असेंबली चेंज करना पड़ेगा, और इसका रूफ है बोल के इसका रूफ भी चेंज करना पड़ रहा है, ये सब वारंटी में हो जाएगा तो ये रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स और आप लोग बताना, आप लोगों ने कभी किया है क्या ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है क्या,
क्योंकि बहुत सी गाड़ी का बहुत से जगह मैंने देखा है कि चलते चलते ऑटोमेटिक एयर बैग खुल जाते फूट जाते। तो आपने भी किया कि बताना, अगर आप लोग टाटा में काम करते हैं, नेक्सन गाड़ी है तो उसका ध्यान रखना फ्रेंड्स। और आप लोग गाड़ी पे काम करते वक्त भी फ्रेंड्स ध्यान रखा करो, क्योंकि बहुत से बार क्या हो जाता है कि आप लोग ठोका टाकी कर रहे, तो जैसे कि एक वीडियो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर, मतलब गाड़ी एक्सीडेंट का काम चालू है वो टाइम में फूट गया, मतलब गाड़ी चालू भी नहीं कुछ भी नहीं वो टाइम में फूट गया। तो ऐसा भी हो सकता है, बोल नहीं सकते कि आप लोग हथौड़ी चला रहे या फिर कोई पाना वाइब्रेशन चल रहा है या फिर टॉर्किंग चल रहा है वो टाइम में डायरेक्ट एयरबैग फूट जाए कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने हुआ है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों ने किया है कि कैसे सॉल्व किया फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो, यूज़फुल लगा तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट मेरे को कमेंट करना फ्रेंड्स, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना फ्रेंड्स, और मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।